हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं दिखा के पास हूँ, कुर्जी पुल के पास, और यहाँ पे क्रिसमस का केक बनता है, उसी का सारा चीज़ मैं प्रोसेस दिखाऊंगा और कैसे कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें बनती है वो मैं आपको प्रोसेस आगे चल के दिखाऊंगा। और भारी मात्रा में यहाँ पे क्रिसमस में सारे ईसाई भाई यहाँ पे आते हैं और केक बनाने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। तो खासकर ये ज़्यादा भीड़ तो ऐसे क्रिसमस के समय होता है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारी जो बेकरी की सामानें हैं, जैसे आपके बिस्कुट हो गए, फिर वहाँ भी नॉर्मल केक हो गया, वो भी केक बनाया जाता है। लेकिन क्रिसमस का जो केक है वो अलग ही एक अरोमा होता है उसमें, और उसमें सारे लोग का प्यार और प्रभु यीशु का जन्म का उसका एक अलग ही तात्पर्य है। तो मैं आगे चल के दिखाऊंगा किस तरह सारी केक का बेकिंग होता है और कैसे यहाँ पे सारी प्रक्रिया की जाती है, और लोग मेहनत करके, खुद से मेहनत करके यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं और हमारे साथ वीडियो का मजा लीजिए, और केक कैसे बेक होता है, केक कैसे सारी चीज़ें बनती हैं वो आगे चल के मैं सारी प्रोसेस डालूंगा। चलिए मिलते हैं, मेरी क्रिसमस। बनाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो अंडे से स्टार्ट होती है। अगर आप एक वाले केक बना रहे हैं तो सबसे पहले अंडा फोड़ा जाता है। तो यहीं के ये लोग हैं जो आपके केक बनाने में मदद करते हैं, बेकरी के ही। तो फर्स्ट आप इसे देख रहे हैं, अंडा फोड़ा जाता है, तो अंडा फोड़ रहे हैं ये। अंडे को डाल के अच्छे से ये मिला रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसी प्रक्रिया है जो केक में मदद करती है, केक को अच्छे से बनने में। तो अंडे को सारे अच्छे से मिला के, सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिलाया जाता है। सारी इंग्रीडियंट्स मिलने के बाद कुछ इस तरह से केक का पूरा पेस्ट बनता है केक बनने के लिए, और पेस्ट बनने के बाद इस तरह कंटेनर में डाला जाता है जो ओवन में बेक होने के लिए जाता है। तो इस तरह कंटेनर में वो डाला के ओवन के अंदर डाला जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सारे लोग अपने अपने आइडिया से जो ड्राई फ्रूट्स में डालना होगा सब लोग अपना बनवा रहे हैं केक। और क्रिसमस में भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ लगती है, क्योंकि यहाँ क्रिसमस का केक बनता है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि सारी चीज़ एक वेल मेंटेन में है, और सारे लोग मदद कर रहे हैं और अपना अपना केक बनाने में सब लोग जुटे हुए हैं। ये केक का पेस्ट है जो ओवन में जाने के लिए तैयार है, और इस तरह के ट्रॉली में कंटेनर को रख के ओवन के अंदर डाला जाता है। तो मैं वो भी दिखा रहा हूँ अभी किस तरह से ये ओवन के अंदर जाएगा। आप देख पा रहे हैं पूरे कंटेनर की ट्रॉली को ओवन के अंदर डाला जा रहा है, और एक टेम्परेचर में इसे ओवन के अंदर डाला जाता है केक बनने के लिए। और इसमें सारी चीज़ सेट कर, पहले से सेट होती है, ऑटोमेटिक ये ओवन है, और डाल के इसे बंद कर दिया गया। टाइमिंग होने के बाद इसे ओवन से निकाला जाता है, और आप जैसे देख रहे हैं सारी केक बन चुकी है अच्छी तरह से, और ट्रॉली बहुत गर्म है इसलिए थोड़ा सा निकाल के इसको रख दिया जाता है। जस्ट थोड़े देर के बाद इसे आप जैसे देख रहे हैं केक पूरी तरह से बन चुकी है, और जो नाम का टैग है वो अपने आप नाम का टैग डालता है सब लोग, कि अपना केक वो पहचान पाए कि वो, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ क्रिसमस में केक बनती है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो केक में नाम का टैग डाला जाता है, और सब नाम के टैग से ही लोग पहचानते हैं यहाँ पे कौन सा केक उनका है। और ये एक उनका जहाँ का बेकरी है उनका नाम है।